कहानी की शुरुआत में हमारे फीमेल लीड कोको को दिखाया जाता है जो एक डिलीवरी गर्ल है। वहीं पर एक ओल्ड मैन को बन स्टॉल पर खड़े हुए दिखाता है जिनके पास बंस खरीदने के पैसे नहीं हैं। ओल्ड मैन शॉप ओनर से कहता है कि मेरे ग्रैंडसन के आने पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट वह बन नहीं देता और उन्हें वहां से भगाता है। कोको ओल्ड मैन को गिरते हुए देखकर अपनी बाइक वहीं रोककर ओल्ड मैन को गिरने से बचा लेती है। कोको शॉप ओनर को डांटकर उससे ओल्ड मैन के लिए बंस खरीद लेती है। ओल्ड मैन को बंस देने पर वे उसे थैंक यू बोलकर उसका नाम पूछता है। कोको बता देती है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊंगा, मेरा ग्रैंडसन आता ही होगा। कोको थैंक यू बोलकर कहती है कि मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, मुझे अभी सिर्फ पैसे अर्न करने हैं। कोको के पास कॉल आने पर वह फूड डिलीवरी करने चाहती है और ओल्ड मैन को अपना फोन नंबर देकर कहती है कि अगर आपको कुछ जरूरत हो तो कॉल कर लेना, और बाय बोलकर चली जाती है। अब शो में होती है हमारे मेन लीड की एंट्री। बहुत सारी कार्स को आते हुए दिखाते हैं जिसमें होता है हमारा हैंडसम डैशिंग मेन लीड फुनान। गार्ड ओल्ड मैन को मास्टर बुलाते हैं। शोपोनो शॉक हो जाता है। फुनान ग्रैंडपा से कहता है कि आप पहले ही एयरपोर्ट से आ गए। ग्रैंडपा उसे हिट करके कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था बट तुम नहीं आए। वैसे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ अभी यहाँ से गई है। फुनान कहता है कि फ्यूचर वाइफ, मैंने बोला था ना मुझे भी शादी नहीं करनी, फिर वाइफ कहाँ से आ गई। ग्रैंडपा उसे कोको का फोन नंबर दिखाकर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं और फुनान को अपने साथ ले जाते हैं। गार्ड्स भी कुछ नहीं कर पाते। रेस्टोरेंट आने पर ग्रैंडपा कोको को कॉल करके कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो। फुनान उन्हें देख कर हंसता रहता है। ग्रैंडपा उसे लोकेशन बता देते हैं। फुनान कहता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसके अकॉर्डिंग आप एक पुअर ओल्ड मैन हो इसलिए वो नहीं आएगी। तभी कोको दौड़ते हुए आ जाती है। फुनान चौंक हो जाता है। कोको पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें देखते ही मैं ठीक हो गया, और कोको को अपने ग्रैंडसन फुनान से मिलवाते हैं कि ये 27 इयर्स का हैंडसम मैन है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। फुनान कहता है कि एटलीस्ट मुझसे तो पूछ लो कि मुझे शादी करनी है या नहीं। ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारी सुन कौन रहा है। कोको कहती है कि मैंने आपको बता दिया था मुझे भी शादी नहीं करनी। फुनान खुश होकर ग्रैंडपा को चलने के लिए कहता है बट वे उसे डांट कर वहीं बैठा देते हैं। कोको से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ब्राइडल गिफ्ट में 3 विलास और 1 बिलियन कैश दूंगा, अब तो मान जाओ। और फुनान से चेक मांगते हैं। फुनान कहता है कि कैसा चेक, और कोको से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को अल्जाइमर है, इन्हें लगता है कि ये बहुत रिच हैं, बट एक्चुअल में हमारा घर और कार रेंट पर है, मेरे पास तो कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं है, इसलिए मैं गर्ल्स को पसंद नहीं आता क्योंकि मैं पुअर हूँ। कोको कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी उसके पास उसके आंट का कॉल आता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे, मुझे 2 लाख चाहिए। कोको कहती है कि मैं पे कर दूंगी। फुनान कहता है कि अगर इस लड़की का मोटिव कुछ और हुआ तो हम इसे जानते भी नहीं हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से तुम सब पर डाउट करते हो, बट मेरी आई धोखा नहीं खा सकती, ये लड़की बहुत अच्छी है। कोको के आने पर फुनान कहता है कि मेरी सिचुएशन देखकर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी ना। कोको कहती है कि मैं करूंगी। वह शॉक हो जाता है। कोको कहती है कि मुझे ब्राइड गिफ्ट में 2 लाख चाहिए। फुनान कहता है कि अब ग्रैंडपा तुम्हारे ट्रू कलर्स देखकर मना कर ही देंगे, बट ग्रैंडपा ओके बोलकर उसे अभी पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोको थैंक यू बोलकर कहती है कि मैं जल्दी ही आपके पैसे रिपे कर दूंगी। ग्रैंडपा कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, अब हम फैमिली हैं, और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। ग्रैंडपा दोनों को देखकर परफेक्ट मैच बताते हैं और फुनान से कोको का ध्यान रखने के लिए कहता है कि नहीं तो बहुत पिटोगे। फुनान कोको को हग करके कहता है कि टेंशन मत लो। कोको के बोलने पर ग्रैंडपा चले जाते हैं। उनके जाने पर फुनान साइड हो जाता है कि ये सिर्फ ग्रैंडपा के सामने एक्टिंग थी, और कोको से उसका फोन नंबर मांगता है। कोको दे देती है। फुनान कहता है कि ग्रैंडपा से बात करके मैं तुमसे डील कर लूंगा। कोको के रोकने पर फुनान कहता है कि मैं पुअर हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोको से रोकती है और एक पेपर देकर कहती है कि मैंने तुमसे 2 लाख लिए हैं, ये उसका IOU है। मुझे पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वो पैसे रिपे कर दूंगी। मेरी जॉब लग गई है और फूड डिलीवरी से भी सेव करके मैं रिपे कर दूंगी।
तभी फुनान के असिस्टेंट हान को आते हुए दिखाते हैं। फुनान उसे देखकर कोको को टर्न कर देता है और हान को जाने के लिए कहता है। वह समझ जाता है। कोको फुनान को देखकर हैंडसम बताती है और चली जाती है। फुनान अपने कार में आकर असिस्टेंट हैन को मैरिज सर्टिफिकेट देकर सेफ रखने के लिए कहता है। हैन कहता है कि आपने शादी कर ली, हमारा आयरन मैन भी गया। फुनान कहता है कि ग्रैंडपा की वजह से उस लड़की के सामने मेरी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। असिस्टेंट हैन के ओके बोलने पर फुनान उसे यूए कंपनी चलने के लिए कहता है कि आज वहाँ पर इंटरव्यूज हैं। कोको भी इंटरव्यू के लिए वहीं पर होती है। एक बताती है कि कंपनी को फू ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट हैं। फू ग्रुप सिटी की लार्जेस्ट कंपनी है। दूसरी बताती है कि फू ग्रुप का सीईओ हैंडसम और चार्मिंग होने के साथ साथ बहुत जीनियस भी है। उन्होंने 3 इयर्स में ही कंपनी को हाई लेवल पर पहुंचा दिया, बट अच्छी बात यह है कि वो अभी तक सिंगल है। कोको से सीईओ का पूरा नाम पूछती है। उसके बताने से पहले ही कोको का टर्न आ जाता है। वह इंटरव्यू के लिए जाती है, तभी वहां पर फुनान को आते हुए दिखाते हैं। असिस्टेंट हैन कहता है कि मैनेजर आपका ऑफिस में वेट कर रहा है। कोको अंदर आ जाती है और उसके साथ एक और कैंडिडेट जिया भी, जिसे देखकर इंटरव्यूअर खुश हो जाती है। कोको के अपने बारे में बताने पर जिया कहती है कि तुम यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वे यूनिवर्सिटी में साथ थी, बट जिया कह देती है कि इसके जैसे पुअर लोगों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इंटरव्यूअर भी कोको का मजाक बनाती है कि हमें डिजाइनर चाहिए, डिलीवरी गर्ल नहीं। कोको उन्हें डिजाइन देखकर डिसाइड करने के लिए कहती है। जिया ने पैसे देकर अपना डिजाइन बनवाया है। इंटरव्यूअर के देखने पर दोनों डिजाइन सेम होते हैं। कोको कहती है कि डिजाइन मेरा है, बट जिया कह देती है कि मेरा है। इंटरव्यूअर सोचती है कि जिया के अंकल फू ग्रुप में डायरेक्टर हैं, बट कोको तो पुअर है, इसके पास कोई कनेक्शन नहीं है और कोको को रिजेक्ट कर देती है। बाहर से शोर आने पर फुनान असिस्टेंट हैन से पूछता है। असिस्टेंट हैन बताता है कि दो कैंडिडेट का डिजाइन सेम होने पर आर्ग्यू हो रही है और फुनान को डिजाइन दिखाता है। फुनान डिजाइन देखकर बता देता है कि एक ओरिजिनल है और एक कॉपी, क्योंकि उसमें डिटेलिंग कम है। क्या यहाँ के मैनेजर्स को नहीं दिखता ये लोग कर क्या रहे हैं, और खुद हैंडल करने जाता है। कोको अपना सामान लेकर जाती है कि मुझे भी तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना। फुनान भी वहीं आता रहता है और कोको को देख लेता है। कोको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सब लोग आकर फुनान को मिस्टर फू बुलाते हैं। कोको के पूछने पर फुनान कह देता है कि ये है मिस्टर फू। असिस्टेंट भी देखकर हाँ बोल देता है कि मैं ही हूँ। फुनान कहता है कि मैं तो मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ, और कोको को अपने साइड बुलाता है। असिस्टेंट कहता है कि कितनी बार बोला है मेरे पीछे चला करो, लोग तुम्हें मिस्टर फू समझ लेते हैं। इंटरव्यूअर कहती है कि क्या आप हमारे न्यू बॉस हो, बट आप यहाँ क्यों आए। फुनान के इशारा करने पर असिस्टेंट हैन कहता है कि ये मेरी कंपनी है, तुम लोग इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो, और फाइल फेंक देता है। वह सॉरी बोलकर प्रॉब्लम को ही बाहर निकालने के लिए कहती है। फुनान कहता है कि बाहर तो तुम जाओगी। वह उसे असिस्टेंट बताकर डांटती है। फुनान कह देता है कि ऐसा मिस्टर फू बोलना चाहते हैं। असिस्टेंट भी बोल देता है कि तुम बाहर जाओगी, ये ठीक बोल रहा है, और फुनान को ही एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। फुनान बता देता है कि जिया का डिजाइन फेक है, क्या तुम्हें नहीं दिखता, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। वे कहती है कि मैंने नहीं देखा। फुनान कहता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम जैसे एम्प्लॉय इस कंपनी के काबिल नहीं हो। असिस्टेंट भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और जिया को रिजेक्ट करके कोको से कहता है कि तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है, क्या तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगी। कोको खुश होकर हाँ बोल देती है। फुनान भी उसे देखकर स्माइल करता है कि ये तो बहुत टैलेंटेड है। उसके जाने पर कोको उसे देख लेती है और कहती है कि तुमने तो बोला था तुम्हारे पास जॉब नहीं है, बट तुम तो मिस्टर फू के असिस्टेंट निकले। फुनान कहता है कि जॉब आज ही मिली है, पहले मैं मिस्टर फू के छोटे मोटे काम कर देता था, इसलिए उन्होंने मुझे अपना ड्राइवर बना लिया, मैं उनका हाफ असिस्टेंट हूँ। और सोचता है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं ही फू ग्रुप का सीईओ हूँ तो ये मेरे साथ ही रहेगी। कोको कहती है कि ड्राइवर होना भी अच्छी बात है और उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है। फुनान कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम हो ही इतने टैलेंटेड। कोको उसे आज रात अपने घर चलने के लिए कहती है। वह शॉक हो जाता है और कोको से कहता है कि हम मैरिड हैं, बट हमें मिले हुए अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, इसलिए प्लीज मेरा एडवांटेज मत लो, और चला जाता है। कोको कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, बट वह बिना सुने चला जाता है। घर आने पर कोको कहती है कि मैं तो उसे यहाँ रहने के लिए इसी बोल रही थी ताकि उसका रेंट बच सके, बट उसने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। डोर पर नॉक होने पर कोको चेक करने जाती है और फुनान को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर। ग्रैंडपा ने फुनान को कोको के साथ जाकर रहने के लिए बोला था कि मुझे ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए, होटल में रहने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फुनान चला जाता है, बट कोको को बताता है कि लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाल दिया। कोको उसे अंदर बुला लेती है। फुनान घर देखकर कहता है कि क्या ये रहने की जगह है, इससे बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम है, यहाँ पर सब कुछ एंशियंट टाइम का है, और वहीं बैठ जाता है।
तभी लाइट जाने पर फर्नांडिस जाता है और कोको को हक कर लेता है। कोको हंसने लगती है, कितने बड़े होकर अंधेरे से डरते हो, यहाँ पर घोष नहीं है, सिर्फ लाइट गई है, क्या तुम पहले कभी रेंट पर नहीं रहे? फर्नांडिस कहते हैं कि ये नई जगह है ना, इसलिए। कोको जाकर लाइट चेक करती है और फर्नान को डिनर करने के लिए कहती है। फर्नान कह देता है कि मुझे भूख नहीं है, तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। दोनों को डिनर करते हुए दिखाते हैं। कोको के पूछने पर फर्नान कहता है कि खाना सिस्टर लियू से तो बेटर ही है। कोको के लियू के बारे में पूछने पर फर्नान कह देता है कि हमारी नेबर थी, वो अपने फ्री टाइम में हमारे लिए कुकिंग कर देती थी, बट तुम्हारी कुकिंग स्किल बहुत अच्छी है। कोको कहती है कि मैं हर काम में अच्छी हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, क्योंकि बचपन में ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, डैड अपने मिस्ट्रेस के पास चले गए थे, इसलिए मुझे अपनी केयर खुद करनी पड़ी। फर्नान के देखने पर कोको कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, अब मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, और उसे वहीं रहने के लिए बोलकर डिलीवरी पर जाने के लिए कहती है। फर्नान कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। कोको कहती है कि जाना तो पड़ेगा। फर्नान भी साथ जाने के लिए कहता है और कंप्लेंस करता रहता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी, 20 फ्लोर चढ़कर जाना पड़ा, क्या इंसानों की जॉब है, तुम भी ये काम मत करो। कोको कहती है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या तुम मेरा ध्यान रखोगे? फर्नान कह देता है कि मैं रख लूंगा। कोको हंसने लगती है कि पहले अपना ध्यान तो रख लो, तभी एक कार उन्हें हिट कर देती है जिसमें होती है जिया। वे कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की कार खराब कर दी। कोको कहती है कि तुमने हमें टक्कर मारी है। जिया कहती है कि तुम्हें इस BMW को डैमेज करने के 5 लाख देने पड़ेंगे। फर्नान कहता है कि ये ड्रामा किसी और के साथ करना, हमें परेशान मत करो। जिया कहती है कि मुझे तो लगा था कि कोको मिस्टर फू को फंसाएगी, बट ये तुम जैसे ड्राइवर के साथ है। कोको कहती है कि ड्राइवर होने में क्या प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। जिया का बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या एक कंट्री बमकिन तुम्हें परेशान कर रहे थे, और फर्नान के कपड़ों को देखकर कहता है कि ओरिजिनल सूट इटली में ऑर्डर पर बनता है, रिच बनने का ड्रामा मत करो, नहीं तो बहुत हर्ट होगा। कोको उन्हें चुप करती है। फर्नान के अपना जैकेट क्लीन करने पर वह फर्नान की वॉच देखकर कहता है कि ये तो 280 मिलियंस की है, जो इस सिटी में सिर्फ एक के ही पास है, और वो भी फू ग्रुप के CEO के पास। तुम्हें ये फेक वॉच कहाँ से मिली? फर्नान वॉच निकाल कर पॉकेट में रख लेता है। जिया कोको को इंसल्ट करती है कि मेरे पास सब कुछ है, लग्जरी कार, विला और रिच मैन, और तुम्हारे पास सिर्फ एक पुअर ड्राइवर। कोको सुनकर गुस्सा करती है, बट फर्नान उसे रोक लेता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट तुम पछताओगे। कोको कहती है कि हम पैसे क्यों दें, गलती इनकी है। जिया कहती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड पागल है, जरा हम भी तो देखें कि ये हमें कैसे ग्रेट कराएगा। फर्नान के फोन निकालने पर कोको उससे फोन ले लेती है कि पैसे कहाँ हैं। फर्नान कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, टेंशन मत लो, हमें घर जाकर रेस्ट भी करना है, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। तभी जिया के पास मैसेज आता है, वह देखकर कहती है कि 5 लाख फू ग्रुप से ट्रांसफर हुए हैं। जिया पूछती है कि तुम कौन हो। कोको के पैसे के बारे में पूछने पर फर्नान कहता है कि मैंने मिस्टर फू से कुछ एडवांस सैलरी ले ली थी और सोचता है कि गलती से कंपनी अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। जिया के फर्नान के बारे में बुरा बोलने पर कोको कहती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फर्नान कोको को रोककर उन्हें जाने के लिए कहता है। दोनों के जाने पर कोको गुस्सा करती है कि तुमने इन्हें पैसे क्यों दिए। फर्नान कहता है कि मैं इनसे पैसे वापस निकलवा लूंगा, और किसी को मैसेज करता है। कोई उन दोनों को रास्ते में ही रोक लेता है। दोनों भी जाकर देखते हैं। वह आदमी कहता है कि तुमने मेरी कार को हिट किया, इसके पैसे दो। जिया के 5 लाख देने पर वह कहता है कि मेरी कार बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी सिर्फ एक हेडलाइट फिक्स कराने में 8 लाख लगेंगे, बम्पर की फिक्सिंग मिलाकर 1.5 मिलियन देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम पर केस कर दूंगा। कोको भी देखकर कहती है कि हमारे साथ यही किया था ना। जिया के अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए बोलने पर वह कहता है कि मेरे पास नहीं है, तुम दे दो। जिया पैसे दे देती है। कोको उन पर हंसने लगती है। फर्नान ने ही ये काम कराया है। घराने पर फर्नान कोको को पैर पर आइस लगाता है, क्योंकि उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। कोको के मना करने पर भी फर्नान नहीं मानता कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, और कहता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं रिच हूं, मैंने तुमसे झूठ बोला तो। और कोको के देखने पर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। कोको कहती है कि मुझे धोखा देने वाले लोगों से नफरत है, क्योंकि डैड ने मॉम को चीट किया था, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। फर्नान उसे देखता है और किस करने वाला होता है, बट लाइटनिंग देखकर साइड हो जाता है। कोको सोने चली जाती है। मॉर्निंग में असिस्टेंट के फर्नान को पिक करने आने पर फर्नान उसे मना करता है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा, और उसे इस एरिया से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल कोको ने उसे देख लिया था। ड्राइवर कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड कर रहे हैं, हर गर्ल आपसे शादी करना चाहती है। फर्नान कहता है कि कोको अलग है। उसे सामने से आते हुए देखकर फर्नान ड्राइवर को फोन देकर उसे उसकी फोटो क्लिक करने के लिए कहता है। कोको के आने पर फर्नान कहता है कि ये कार बहुत कूल लग रही थी, इसलिए मैं फोटोज क्लिक कर रहा था। ड्राइवर चला जाता है।
कोको फुनान को लंच देकर उसे ड्रॉप करने के लिए कहती है। दोनों को जाते हुए दिखाते हैं। कोको ऑफिस आ जाती है और जिया को देखकर कहती है कि तुम तो रिजेक्ट हो गई थी। हेड बताती है कि जिया के अंकल फू ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो यहाँ काम करना इसके लिए बहुत ईजी है। जिया उसे तीनों का काम देकर आज ही फिनिश करने के लिए कहती है कि नहीं तो अंकल से बोलकर इस कंपनी से निकलवा दूंगी। कोको कहती है कि वो काम मिस्टर फू का है और काम करने से मना कर देती है। जिया कहती है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे उस ड्राइवर हस्बैंड को भी जॉब से निकलवा दूंगी। कोको सोचती है कि मैं अपनी वजह से उसकी जॉब नहीं जाने दे सकती और फाइल्स उठाने लगती है। फुनान ऑफिस में होता है और कोको का कॉल आने पर एक्साइटेड हो जाता है। कोको कहती है कि आज मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे ओवर टाइम करना है। फुनान ओके बोलकर गुस्सा करता है कि क्या उस कंपनी में ज्यादा काम है जो कोको को ओवर टाइम करना पड़ रहा है और वो भी पहले ही दिन। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पहले ही आपकी वजह से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि एम्प्लॉय से ओवर टाइम ना कराएं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। फुनान कहता है कि मैं खुद जाकर चेक करूंगा और कोको का दिया लंच देखकर स्माइल करता रहता है। असिस्टेंट उसे देखकर कहता है कि क्या आपको प्यार हो गया है। फुनान कहता है कि मुझे उसका हाथ का खाना पसंद है। कोको काम करती रहती है। फुनान उसके पास आता है, उसे देखकर कोको स्माइल करने लगती है। फुनान कहता है कि तुम अकेली थी तो मैं तुम्हें कंपनी देने आ गया, और उसे कॉफी देकर पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा। कोको के 3 आवर्स बताने पर फुनान कहता है कि अभी ओवर टाइम सिस्टम कैंसिल करता हूँ, और कोको के देखने पर कहता है कि मिस्टर फू से कराता हूँ। कोको मना कर देती है कि मैंने अभी जॉब ज्वाइन की है। वहाँ पर जिया की फाइल देखकर फुनान कहता है कि तो रिजेक्ट हो गई थी ना, मैं उन्हें अभी हैंडल करता हूँ। कोको से रोककर बताती है कि उसके अंकल फू ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। फुनान के डायरेक्टर का नाम पूछने पर कोको कहती है कि मुझे नहीं पता। फुनान उसे काम बंद करने के लिए कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मुझे मिस्टर फू के साथ काम करके पता चल गया कि ये कैसे करते हैं, और कोको को रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद काम करने लगता है। काम फिनिश होने पर कोको देखती है, बट फुनान उसे रोक देता है और घर चलने के लिए कहता है। दोनों घर आ जाते हैं। काम के चक्कर में कोको ने लंच भी नहीं किया। फुनान लंच देखता है और कहता है कि मेरा लंच तुम्हारे लंच से अलग क्यों है। कोको कहती है कि मैं सिंपल फूड खाती हूँ। फुनान उसे हक करके कहता है कि झूठ मत बोलो। कोको कहती है कि मुझे तुम्हें रीपे करना है ना, इसलिए सेव कर रही थी। फुनान उसे रीपे करने से मना करके उसे अपना सैलरी कार्ड भी दे देता है। कोको के मना करने पर फुनान कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, दोबारा रीपे करने के लिए मत बोलना, और चला जाता है। नेक्स्ट डे मैनेजर आकर तीनों को डांटता है कि ये सब क्या है, क्या तुम लोगों को काम नहीं करना। तीनों फाइल्स देखती हैं, फुनान ने उसमें कार्टून ड्रॉ किए हुए हैं। जिया कहती है कि यह सब कोको ने किया है। मैनेजर कोको के प्रोजेक्ट को अच्छा बताकर उन तीनों को दोबारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है। तीनों के जाने पर मैनेजर कोको को प्रोजेक्ट बोनस और कंपनी एनुअल फंक्शन का इनविटेशन देता है। कोको खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। बाहर आकर मैनेजर फुरान को कॉल करके कहता है कि जैसा आपने बोला था मैंने वो काम कर दिया। कोको के कोवर्कर जियाओ से बताती है कि ये इस इंडस्ट्री का ग्रैंड फंक्शन है, यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और रिच लोग आते हैं, वहाँ पर एक्सपेंसिव ज्वेलरी का ऑक्शन भी लगता है। कोको कहती है कि मैं जरूर जाऊंगी। जियाओ उसे इनविटेशन कार्ड लेकर फाड़ देती है कि तुम जैसे लोग वहाँ जाना डिजर्व नहीं करते। कोको उसे हिट करके कहती है कि तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती। कोको ने इनविटेशन कार्ड फिक्स कर लिया है। फुनान आकर उसे सैड देखकर पूछता है कि क्या हुआ। कोको कह देती है कि कुछ नहीं। फुनान उसे अपना इनविटेशन कार्ड देता है। कोको कहती है कि अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो तुम कैसे जाओगे। फुनान सोचता है कि अपनी पार्टी में जाने के लिए मेरा फेस ही काफी है, और कोको से कहता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं चला जाऊंगा। डोरबेल रिंग होने पर कोको चेक करती है। बाहर एक रिच लेडी को देखकर फुनान चौक हो जाता है कि मॉम आप तो अब्रॉड थी, यहाँ कैसे आ गई। मॉम के इतने हाई प्रोफाइल से मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। मॉम कहती है कि फाइनली तुमने शादी कर ली, मुझे तो लगा था कि तुम्हें बॉयज पसंद है। और सुसाइड करके कहती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूँ, और कोको को देखकर उसे प्रीटी बताकर हक कर लेती है। फुनान उन्हें देखता है। मॉम उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आती हैं, जिन्हें देखकर कोको कंफ्यूज हो जाती है। फुनान सबको बाहर भेजकर मॉम से कहता है कि कोको को मेरे बारे में नहीं पता, क्या आप उसे डराकर भगाना चाहती हो। और कोको से कहता है कि मेरी मॉम एक माइनर एक्ट्रेस है, अभी इन्होंने रिच लेडी का रोल प्ले किया है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, ये सब शूटिंग प्रॉप्स हैं। कोको कहती है कि फिर ये लोग कौन थे। मॉम कह देती है कि क्रू मेंबर्स। कोको खुश होकर मॉम को टैलेंटेड बताती है। मॉम कोको से कहती है कि घर का सारा काम फुनान से कराया करो। कोको के उन्हें आंट बुलाने पर मॉम उसे उन्हें मॉम बोलने के लिए कहती है। कोको बोल देती है और दोनों खुश हो जाते हैं। मॉम कोको के लिए गिफ्ट लेकर आती है। कोको के लेने से मना करने पर फुनान कहता है कि रख लो, पार्टी में जाने के काम आएंगे। ड्रेस के बाद मॉम उसे ज्वेलरी देती है। फुनान को नेकलेस देखा हुआ लगता है। मॉम के इंसिस्ट करने पर कोको रख लेती है और थैंक यू बोलती है।
और गिफ्ट देने पर फुनैन उन्हें रोक देता है कि आपको जाकर ग्रैंडपा से मिलना चाहिए और उन्हें जबरदस्ती घर चलने के लिए कहता है। सब लोग पार्टी के लिए आ जाते हैं क्योंकि जिया ने अपने अंकल से इन्विटेशन कार्ड ले लिए थे। रोई कहती है कि कोको यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि अब उसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है। तभी किसी की एंट्री होती है जो होती है कोको। वह असिस्टेंट को ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है। कोको के पास लिमिटेड एडिशन ड्रेस, शू और पर्स देखकर वह शॉक हो जाती है कि ये सब इस पोर गर्ल को कहाँ से मिला। जी आकर कहती है कि फेक बनकर आ तो गई बट अंदर कैसे जाओगी। कोको के अंदर जाने पर वह कहती है कि इसके पास इन्विटेशन नहीं है, इसे बाहर निकाल दो। कोको के इनविटेशन कार्ड दिखाने पर जिया कहती है कि हमारा कार्ड ब्लू है बट तुम्हारा गोल्डन, ये जरूर फेक होगा। गार्ड चेक करता है कि हाई लेवल गोल्ड वीआईपी इनविटेशन है और कोको को रोकने के लिए सॉरी बोलकर उसे अंदर भेज देता है। जिया के गुस्सा करने पर गार्ड कहता है कि वो वीआईपी इनविटेशन कार्ड था, अच्छा होगा कि उस लेडी को परेशान मत करो। फुनैन पार्टी में ही होता है। असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी वाइफ आ गई। फुनैन कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूं और वेटर से ट्रे लेकर चिपका जाता है। कोको उसे नहीं देख पाती। असिस्टेंट कहता है कि वाह बॉस क्या स्पीड थी। अंदर आने पर वे लोग कोको को परेशान करती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये लिमिटेड एडिशन कलेक्शन है, तुम्हारा पुअर हस्बैंड हर चीज फेक ही अफोर्ड कर सकता है। कोको सोचती है कि मॉम ने तो बोला था सेल से लिया है, लिमिटेड एडिशन कहाँ से आ गया। एक कहती है कि यहाँ पर मास्टर गौड़ी का नाइट ड्रीम ज्वेलरी एग्जीबिशन नहीं दिख रहा। जिया कहती है कि वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो ज्वेलरी सेट मेरी फैमिली ने खरीद लिया। दूसरी कहती है कि वो 1 बिलियन का था। जिया को बताया कि वो किसी फॉरेन कस्टमर ने खरीदा है बट वे शो ऑफ करने के लिए झूठ बोल देती है कि वो मैंने लिया है। एग्जीबिशन कैंसिल होने की अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि वो ऑलरेडी सेल हो चुका है। सब कहते हैं कि हम यहाँ पर वही देखने के लिए आए थे। जिया कहती है कि वो मेरे पास है, अगर किसी को देखना है तो देख लो। कोको नेकलेस देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग उसे फोटो से मैच करके कहते हैं कि ये तो वही है। कोको के जाने पर जिया उसे रोककर उसका स्कार्फ हटा देती है। सब लोग कोको के पास नेकलेस देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ पर 2 नेकलेस कैसे हैं, एक रियल और एक फेक। जिया के आर्ग्यू करने पर कोको बोल देती है कि मेरा फेक है। एक जिया को देखकर कहती है कि फेक तो ये लग रहा है। जिया कहती है कि बहुत पुअर है, ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा रियल है। सब लोग कोको को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए कहते हैं। जिया के कोको को लेकर जाने पर फुनैन वहां आ जाता है और जिया का हाथ हटा देता है। जिया कहती है कि इसका ड्राइवर हस्बैंड है। सब कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने फेक ज्वेलरी पहनी है। कोको के वहां से जाने के लिए बोलने पर फुनैन कहता है कि किसने बोला ये फेक है और गार्ड से एसिड मंगा कर कहता है कि फेक डायमंड इसमें जल जाएगा बट रियल नहीं। सब लोग जिया को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। जिया गुस्से में कोको का नेकलेस निकाल कर एसिड में फेंक देती है। सब शॉक हो जाते हैं कि डायमंड रियल है और नेकलेस भी। कोको पूछती है कि तुम्हारी फैमिली के पास ये कहाँ से आया। फुनैन उसे घर जाकर बात करने के लिए कहता है। जिया के कोको को बुरा बोलने पर फुनैन कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का 1 बिलियन नेकलेस खराब कर दिया, रिपे कैसे करोगी, और उसे पुलिस स्टेशन भेजता है। तभी जिया के अंकल वहां आकर कहते हैं कि मेरी नीज को टच करने की हिम्मत किसने की। फुनैन कहता है कि मैंने। डायरेक्टर उसे देखकर डर जाता है कि प्रेसिडेंट आप। सब शॉक हो जाते हैं कि इस पुअर को प्रेसिडेंट क्यों बोल रहा है। फुनैन उनके पास जाकर कहता है कि मैं तो उनका ड्राइवर हूँ, मिस्टर फू अभी यहाँ नहीं है। फुनैन के इशारा करने पर वह समझ जाता है। जिया के उन दोनों को जॉब से निकालने के लिए बोलने पर उसके अंकल उसे हिट कर देते हैं कि ये मिस्टर फू के लोग हैं। कोको कहती है कि जिया की लड़ाई मुझसे है, इसमें मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व मत करो। डायरेक्टर कहता है कि ये बॉस की वाइफ है और कोको से जिया के बिहाफ पर सॉरी बोलता है। कोको फुनैन को देखती है। डायरेक्टर जिया से मिस्टर फू को 1 बिलियन कंपनसेशन देने के लिए कहता है। जिया कहती है कि क्या नेकलेस सच में रियल था। कोको सोचती है कि डायरेक्टर भी फुनैन की बातों में आ गए जो नेकलेस को रियल समझ रहे हैं। फुनैन डायरेक्टर से कहता है कि जिया ने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है, मैं इसे इतना इजीली नहीं छोड़ सकता, इसे जॉब से निकाल कर इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो और ये मुझे इस सिटी में नजर नहीं आनी चाहिए। जिया फुनैन को स्टूपिड ड्राइवर बताकर कहती है कि तुम खुद को समझ क्या रहे हो। डायरेक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे बैन कर दूंगा। सब शॉक हो जाते हैं। फुनैन सबको वार्न करके कोको को अपने साथ ले जाता है। बाहर आने पर जिया अपने अंकल से कहती है कि उस यूजलेस ड्राइवर की वजह से आप मुझे बैन क्यों कर रहे हो। अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, जिसे तुम यूजलेस ड्राइवर बोल रहे हो वो फू ग्रुप का सीईओ है। जिया शॉक होकर कहती है कि सीईओ और कोको का हस्बैंड। अंकल उसे अपना सामान पैक करके सिटी से जाने के लिए कहते हैं कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोको फुनैन से पूछती है कि वो नेकलेस और ये एक्सपेंसिव चीजें तुम्हारी फैमिली के पास कैसे आई। तुम एक ड्राइवर होकर डायरेक्टर की नीज को बैन कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है। फुनैन उसे समझाने के लिए कहता है। कोको को गुस्सा करने पर वह उसे बताने वाला होता है।
तभी कोको का फोन रिंग होने पर वह चेक करती है और अपने अकाउंट में 1 बिलियन देखकर चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मैंने डायरेक्टर वैंग से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला था, और कोको को बताता है कि मैंने ये सीन जानबूझकर क्रिएट किया क्योंकि जिया ने मेरी कंपनी में जॉब सोर्स की वजह से की। इससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है और डायरेक्टर अपने पावर का गलत यूज कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने ही फुनान को नेकलेस देकर ये सब ड्रामा करने के लिए बोला था, वो नेकलेस और गार्ड्स मेरे थे। कोको उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है। फुनान कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हें ये सब पहले नहीं बता सका। कोको के पैसे मिस्टर फू को देने पर असिस्टेंट मना कर देता है कि फुनान ने मेरी इतनी हेल्प की है, इसे प्राइज समझ कर रख लो। कोको शॉक होकर कहती है कि 1 बिलियन प्राइज। असिस्टेंट कहता है कि कम है क्या। कोको मना करके कहती है कि बहुत ज्यादा है। असिस्टेंट हंसकर कहता है कि फू ग्रुप के सीईओ के लिए ये बहुत छोटी अमाउंट है। कोको स्माइल करने लगती है। असिस्टेंट दोनों को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। फुनान कोको को उठाकर ले जाता है। घर आने पर फुनान को कोको की केयर करते हुए दिखाते हैं। वे कहता है कि अब तो गुस्सा मत करो। कोको कहती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए इस बार छोड़ रही हूँ, बट अगर नेक्स्ट टाइम चीटिंग की तो डाइवोर्स दे दूंगी। फुनान कहता है कि नहीं करूंगा। कोको कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर फू मुझे लाइक करते हैं। फुनान चौक होकर उसका हाथ टाइटली दबा देता है। कोको कहती है कि उन्होंने हमें इतने सारे पैसे दे दिए, इसलिए मुझे ऐसा लगा। फुनान कहता है कि वो उनके लिए बहुत थोड़े से पैसे हैं। कोको कहती है कि ये थोड़े से हैं, मैंने इतने पैसे अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। फुनान पूछता है कि तुम उन पैसों को क्या करोगी। कोको से ऑर्फनेज लेकर आती है। फुनान कहता है कि तुम यहाँ पैसे डोनेट करोगी। कोको हाँ बोलकर मैनेजर को 50 मिलियन डोनेशन देती है। मैनेजर के लिए इसे मना करने पर कोको कहती है कि आप इतने सालों से इस ऑर्फनेज को अकेले हैंडल कर रही हो, इससे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मैनेजर रोने लगती है। दोनों को थैंक यू बोलकर वे अंदर चलने के लिए कहती है। कोको फुनान को इस बारे में पहले ना बताने के लिए सॉरी बोलती है। फुनान कहता है कि तुम जैसे चाहो इन पैसों को यूज कर सकती हो। कोको खुश होकर फुनान से कहती है कि बाकी 50 मिलियन से मुझे बच्चों की हेल्प के लिए फाउंडेशन ओपन करना है, बट मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, तो मिस्टर फू से पूछ लेना। फुनान ओके बोलकर कहता है कि क्या अपने लिए कुछ नहीं रखना। कोको कहती है कि हम अभी यंग हैं और अर्न कर लेंगे, और अंदर आकर बच्चों से मिलती है। बच्चे फुनान को देखकर कहते हैं कि हमने तुम्हें टीवी पर देखा है। फुनान डर जाता है। एक बच्ची बताती है कि तुम सिटी के रिचेस्ट मैन हो। कोको कहती है कि तुमने गलत देख लिया होगा। सब कहता है कि हमने भी देखा है, ये वही है। कोको कहती है कि शायद इन बच्चों ने तुम्हें मिस्टर फू के साथ देखा होगा। फुनान कहता है कि ऐसा ही हुआ होगा। बच्चे कोको को अपने हस्बैंड को किस करने के लिए कहते हैं। कोको के मना करने पर फुनान उसे किस कर लेता है और बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। नेक्स्ट डे मैनेजर आकर अनाउंस करता है कि अब से कोको सारे डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड है, क्योंकि सारी कंपनीज कोको के बनाए डिजाइन ही यूज कर रही है और ये मिस्टर फू का ऑर्डर है। कोको खुश हो जाती है और बाकी लोग जेलस। कोको फुनान को भी मैसेज करके अपने प्रमोशन के बारे में बताकर उसे ट्रीट देने के लिए कहती है। वह स्माइल करने लगता है। असिस्टेंट फुनान को स्माइल करते हुए देखकर कहता है कि बॉस तुम गए। कोको की आंट से कॉल करके तियान होटल आने के लिए कहती है। कोको के मना करने पर वह उसे उसकी मॉम की धमकी देकर कॉल कट कर देती है। उसकी आंट कोको की शादी फिक्स करके पैसे लेने का प्लान बना रही है। कोको फुनान को कॉल करके कहती है कि मेरी आंट ने मुझे डिनर पर बुलाया है, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। फुनान एड्रेस पूछकर कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, और कॉल कट करके असिस्टेंट से कहता है कि तियान होटल के मैनेजर को कॉल करके बोलो मेरी वाइफ का ध्यान रखे। कोको की आंट उस लड़की की फैमिली के साथ होटल आ जाती है, जिससे वे कोको की शादी कराना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहां पर सीट अवेलेबल नहीं है। कोको भी आ जाती है। मैनेजर के पास कोको का फोटो होता है। वह उसे देखकर लग्जरी रूम प्रिपेयर कर देता है और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। उस लड़के को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए वो सारी एक्सपेंसिव डिशेज ऑर्डर करता है। आंट कोको को उस लड़के से इंट्रोड्यूस कराकर कहती है कि ये बहुत रिच है, तुम्हारी लाइफ इसके साथ बहुत अच्छी रहेगी। कोको कहती है कि आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है, मैं आपको बताना भूल गई थी, बट मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। दोनों शॉक हो जाते हैं। लड़के वाले गुस्सा होकर जाते हैं, बट आंट उन्हें रोक कर कहती है कि मैं इसका डाइवोर्स करा दूंगी और ब्राइडल गिफ्ट भी थोड़ा कम दे देना। लड़का कहता है कि कोको प्रिटी है और मान जाता है। कोको कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर वेजेस खरीद रहे हो, जो ब्राइडल गिफ्ट में बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और जाती है। आंट उसे रोक कर कहती है कि मैंने तुम्हारी माम के हॉस्पिटल बिल्स पे किए थे। कोको कहती है कि मैं तुम्हें उसके 2 लाख दे चुकी हूँ और जो तुम्हारे पास है वो सब मेरी माम का दिया हुआ है। कोको के जाने पर वह लड़का उसे रोक कर उसके अंकल को ब्राइडल गिफ्ट देकर कहता है कि अब से तुम मेरी हो, और कोको से जबरदस्ती मैरिज सर्टिफिकेट पर फिंगरप्रिंट स्टैम्प कराता है। तभी फुनान वहाँ आ जाता है और उसको हिट कर देता है।
दोनों उसके हस्बैंड के बारे में बुरा बोलते हैं। कोको को गुस्सा करने पर फुनान उसे रोक लेता है। आन गुस्सा करती है कि क्या सिर्फ इसकी हैंडसमनेस से एक शादी कर ली। वह लड़का कहता है कि लियो फैमिली में शादी करके तुम ज्यादा खुश रहोगी, इस पुअर के साथ नहीं, मेरा मिलियंस का बिजनेस है। फुनान हंसने लगता है कि सिर्फ मिलियन का, और तुम्हें क्या लगता है कि लग्जरी रूम तुम्हारे लिए था। मैं जलाकर फुनान को देखकर कहता है कि आप खुद क्यों आए। वह लड़का कहता है कि रूम मैंने बुक किया है, इससे रिस्पेक्ट से बात क्यों कर रहे हो। मैनेजर कहता है कि तुम्हें ये रूम इन्हीं की वजह से मिला है, ये सिटी के रिचेस्ट मैन। फुनान कह देता है कि रिचेस्ट मैन का ड्राइवर हूँ, और मैनेजर को 3 मिलियन कैश रेडी करने के लिए कहता है। वह लड़का हंसने लगता है कि ये तो ड्राइवर है। कोको के उसे बुरा बोलने पर वह उसे हिट करता है, बट फुनान उसका हाथ पकड़ लेता है। वह लड़का कोको से कहता है कि या तो चुप कर सॉरी बोलकर मुझसे शादी कर लो, नहीं तो 2 लाख दो। फुनान कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा। स्टाफ पैसे लेकर आती है। फुनान कहता है कि ये 3 मिलियन है, इतने काफी हैं या और दूं, इससे अपनी डिग्निटी खरीद लेना। वह लड़का कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं फुगरूप के साथ काम करता हूँ। आंट कहती है कि फुगरूप से पंगा मत लो, मर जाओगे। फुनान कहता है कि तुम्हारी पार्टनरशिप आज से फुगरूप के साथ खत्म हो जाएगी, और असिस्टेंट को कॉल करके लियो ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देता है। वह हंसने लगता है कि तुम खुद को यंग मास्टर समझ रहे हो, दिन में सपने मत देखो, अगर ऐसा हो गया तो मैं झुककर तुमसे सॉरी बोल दूंगा। तभी उसके पास फू ग्रुप से कॉल आता है कि अब से तुम्हारी कंपनी फू ग्रुप से ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। वह रोने लगता है। फुनान दोनों को भी वार्न कर देता है कि कोको से दूर रहो। वे ओके बोलकर चले जाते हैं। फुनान कोको को भी ले जाता है। मैनेजर आकर उन्हें 3.8 मिलियन का बिल देकर पे करने। कोको के पैसों के बारे में पूछने पर फुनान कह देता है कि वो तो फेक थे, और कॉपरेशन तो लियो के साथ पहले से ही कैंसिल होना था, क्योंकि मिस्टर फू को पता चल गया था कि ये फ्रॉड हैं। कोको से जीनियस बताती है, कोई उनकी फोटो क्लिक कर लेता है और जिया को दे देता है। जिया को पता चल जाता है कि कोको सच में सीईओ की वाइफ है। वो बताता है कि कोको को मिस्टर फू के बारे में नहीं पता, और मिस्टर फू के 2 ईयर्स पहले मिस तांग के साथ एंगेजमेंट हो गई थी, बट बाद में रिलेशन टूटने पर शादी नहीं हुई और मिस तांग अब्रॉड चली गई थी। जिया उसे कोको के बारे में तांग को बताने के लिए कहती है। फुनान की मॉम कोको को डिनर पर इन्वाइट करती है। फुनान कॉल करके कहता है कि विला पर इनवाइट करके मुझे एक्सपोज करना चाहती हो क्या। मॉम कहती है कि डोंट वरी, मैंने एक स्मॉल हाउस अरेंज कर लिया है, ग्रैंडपा को कोको से मिलना था इसलिए। फुनान मान जाता है। दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं। ग्रैंडपा कोको को देखकर खुश हो जाते हैं। फुनान मॉम से कहता है कि लास्ट टाइम नेकलेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इस बार ऐसा कुछ मत करना। मॉम भी कोको को देखकर खुश होती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनाया है। फुनान कहता है कि माम ने कुकिंग कब सीखी। कोको प्लेट्स पर तियन होटल का नाम देखकर उसके बारे में पूछती हैं। फुनान कहता है कि वहाँ पर हमारा रिलेटिव काम करता है, इसलिए तुम्हारे आने की खुशी में उसने डिशेज बनाकर भेज दी। कोको खुश होकर सबके साथ डिनर करती रहती है। फुनान उसे ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है, बट वह सबके साथ खुश होकर ड्रिंक करती रहती है। फुनान उसे रूम में लेकर आता है, और जाते हुए उसके पैर से टकरा कर गिर जाता है। कोको उसे हैंडसम बताकर किस करने वाली होती है, बट फुनान साइड हो जाता है कि तुम ड्रंक हो। कोको उसके पास आकर कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं तुम्हें प्रिटी नहीं लगती, तुमने शादी भी ग्रैंडपा की वजह से की थी, तुम मुझे लाइक नहीं करते, और फुनान को हिट करके रोती रहती है। फुनान कहता है कि किसने बोला कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और किस करने वाला होता है, बट कोको सो जाती है। फुनान कहता है कि फ्रॉड करके सो गई और चला जाता है। बाहर आकर फुनान दोनों से कहता है कि आप क्या प्लानिंग कर रहे थे। मम बताती है कि टैंग वापस आ रही है, बट हमें कोको पसंद है, इसलिए हम दोनों कोशिश कर रहे थे। फुनान कहता है कि वो शादी एक फैमिली एग्रीमेंट था, बट डैड के मरने के बाद कंपनी लॉस में जाने से टैंग मुझे छोड़कर चली गई, उसने पूरे शहर में हमारा मजाक बना दिया था, मेरा अब उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा एंगेजमेंट करने के लिए बोला तो। फुनान कहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ कोको है। माम खुश हो जाती है कि तुम्हें कोको से प्यार हो गया है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट फुनान से कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ को पता चला कि आप सारा काम छोड़कर उसके लिए हैंगओवर मेडिसिन लेने गए थे तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगी। फुनान कहता है कि ज्यादा मत बोलो, मैं वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। कोको ऑफिस में होती है, एक लड़की आकर कहती है कि वो मेरा है, उससे दूर रहो, जो होती है टैंग। कोको कहती है कि क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वे कहती है कि तुम्हारा बॉस मिस्टर फू मेरा फियांसा है, उसे सेड्यूस मत करो। कोको कहती है कि मेरा मिस्टर फू से कोई रिलेशन नहीं है, और दोनों को आते हुए देखकर कहती है कि उन्हें से पूछ लो। उसे देखकर फुनान असिस्टेंट को आगे पुश कर देता है और कोको को अपने साथ ले जाता है। असिस्टेंट टैंक को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बॉस अब मैरिड हैं, उन्हें परेशान मत करो। वह शॉक हो जाती है। दोनों साथ में स्नैक्स खाते रहते हैं, तभी वहां पर टैंक आ जाती है। कोको को हिट करने पर फुनान उसका हाथ पकड़ लेता है। टैंक फुनान से कहती है कि तुम इस पुअर गर्ल के साथ क्यों हो। फुनान कहते हैं कि मेरी वाइफ है।
टैंग कहती है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ, तुम इसे चूज कैसे कर सकते हो। कोको कहती है कि तुम तो सीईओ के गर्लफ्रेंड हो। टैंग कहती है कि क्या तुमने इसे नहीं बताया, और बताने वाली होती है बट फुनान उसे चुप कर देता है कि मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और कोको को अपने साथ ले जाता है। घराने पर कोको फुनान से पूछती है कि टैंग किस बारे में बात कर रही थी। फुनान बताता है कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बट जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। कोको ओके बोलकर जाती है। किरने पर फुनान उसे पकड़ लेता है और उठाकर ले जाता है। मॉर्निंग में कोको खुद को फुनान के साथ देखकर वहां से जाती है और फुनान के देखने पर चिल्लाने लगती है। कोको वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद उसी लड़के को कोको के पास दिखाते हैं। वह जबरदस्ती कोको को उससे शादी करने के लिए कहता है और कोको के मना करने पर नहीं मानता कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी फुनान आकर उसे हिट कर देता है कि अगर दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया तो जान से मार डालूंगा, और कोको को अपने साथ ले जाता है। टैंग उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम्हें कोको चाहिए तो कल फाय होटल आ जाना। फुनान कोको के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। टैंग आकर फुनान से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कोको को तुम्हारे बारे में बताऊं तो मेरे साथ चलो। फुनान चला जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। टैंग कहती है कि कल फाय होटल में मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं वहां पर हमारे एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूं, तो आ जाना। फुनान ओके बोलकर चला जाता है। कोको के पास कॉल आता है कि क्या कल तुम डिलीवरी में मेरी हेल्प कर दोगी, मुझे पता है तुमने जॉब छोड़ दी बट कल बड़ा ऑर्डर है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती। कोको हेल्प करने के लिए मान जाती है। वह लेडी टैंग को मैसेज करती है कि काम हो गया, बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। लोग बातें करते रहते हैं कि फू ग्रुप के सीईओ मिस्टर फू भी यहाँ आएंगे, फर्स्ट टाइम उन्हें फेस टू फेस देखने का मौका मिलेगा। कोको भी डिलीवरी के लिए जाती रहती है और स्कूटी बंद पड़ने पर चलकर जाती है। कोको को टैंग के बर्थडे पार्टी में केक डिलीवर करते हुए दिखाते हैं। वह टैंग को देखकर केक रखकर जाती है। टैंग उसे रोककर केक निकालने के लिए कहती है और केक गिराकर कोको को कंपनसेट करने के लिए कहती है कि झुककर मुझसे सॉरी बोलो। उस लेडी के लिए कोको सॉरी बोल देती है। गर्ल्स उस पर ड्रिंक डालने लगती है। तभी फुनान वहाँ आ जाता है। टैंग अनाउंस करती है कि नेक्स्ट वीक फुनान और मेरी एंगेजमेंट है। फुनान कहता है कि क्या बोल रही हो, और कोको को वहां देख लेता है। कोको कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फुनान उसे रोक कर कहता है कि ऐसा नहीं है, और टैंग से कहते हैं कि मेरी वाइफ कोको है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। सब बोलने लगते हैं कि मिस्टर फू की वाइफ एक डिलीवरी गर्ल है। कोको कहती है कि तुम मिस्टर फू हो। टैंग बता देती है कि ये फू ग्रुप का सीईओ है, तुम खुद को मुझसे कंपेयर नहीं कर सकती। कोको सैड हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे स्ट्रगल करते हुए देखकर मजा आ रहा होगा, तभी तो तुमने झूठ बोला। टैंग कहती है कि फुनान सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, इसकी एंगेजमेंट मुझसे पहले ही हो चुकी है। वह लड़का भी आकर कहता है कि कोको की शादी मुझसे हुई है। कोको के बारे में बुरा बोलने पर फुनान उसे हिट कर देता है। कोको रोने लगती है कि मुझे तुम्हारी गेम का पार्ट नहीं बनना, मैं अपनी लाइफ को जी लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और फुनान से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। फुनान शॉक हो जाता है। कोको कहती है कि तुमने हर बार मुझे धोखा दिया, अच्छा होगा कि रिलेशन खत्म हो जाए, और चली जाती है। टैंग के फुनान को रोकने पर वह कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा, और चला जाता है। फुनान के कोको के पास आने पर वह कहती है कि मैं ऑलरेडी सब क्लियर कर चुकी हूँ मिस्टर फू। फुनान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोको कहती है कि क्या पुअर बनकर मुझे टेस्ट कर रहे थे। फुनान सॉरी बोलकर कहता है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि तुम भी बाकी गर्ल्स की तरह फू फैमिली के पैसों की वजह से मेरे साथ हो, बट बाद में रियलाइज होने पर मैं तुम्हें सच बताना चाहता था बट नहीं बता पाया कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। कोको कहती है कि हमारी दुनिया अलग है, और चली जाती है। फुनान घर आकर कोको से बात करने की कोशिश करता है बट वह डोर नहीं खोलती। तभी फुनान की तबीयत खराब होने पर वह बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ न आने पर कोको चेक करती है और फुनान को बेहोश देखकर असिस्टेंट को कॉल करती है। उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। असिस्टेंट आकर कहता है कि आप पूरी रात नहीं सोई, जाकर रेस्ट कर लो, मिस्टर फू अब ठीक है। कोको जाते हुए असिस्टेंट से कहती है कि इसके उठने पर इसे मत बताना कि मैं पूरी रात यहीं पर थी, और चली जाती है। मॉम भी हॉस्पिटल आती हैं और कोको से कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और से फुनान के बारे में बताती हैं कि उसके डैड की डेथ के बाद फू ग्रुप पर बात हो गया था, जिसकी वजह से टैंग ने एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी थी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। फुनान ने 3 वर्ष मेहनत करके फू ग्रुप को हाई लेवल पर पहुंचा दिया, इसी वजह से फुनान इतना कोल्ड हार्टेड है, जिसे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, बट तुम्हारे साथ रहकर वो चेंज हो गया। फुनान को होश आ जाता है। कोको के बारे में पूछने पर मॉम बताती हैं कि वो चली गई। फुनान उसे ढूंढने जाता है। घर आने पर कोको उसे डाइवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहती है। फुनान साइन करने से मना कर देता है। कोको कहती है कि मैं स्टेटस और लोगों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकती, और साइन करने के लिए कहती है। फुनान मना करके कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, और चला जाता है।
ऑफिस आने पर वह हर किसी पर बेवजह गुस्सा करता रहता है। असिस्टेंट कहता है कि हस्बैंड वाइफ की फाइट में हम फंस गए। कोको के ऑफिस आने पर स्टाफ उसे परेशान करता है और उसके बारे में बुरा बोलते हैं। कोको के गुस्सा करने पर वे उस पर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगाते हैं कि तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं। कोको को परेशान करने पर फुनान वहां आकर उन्हें हटा देता है। वे लोग उसे स्टूपिड ड्राइवर बताकर कहती हैं कि हम तुमसे नहीं डरते, हमारे साथ मिस टैंग है। तभी टैंग के आने पर वह कहती है कि कोको को बचाने उसका ये स्टूपिड हस्बैंड आ गया, इसे बाहर निकाल दो। टैंग उसे हिट कर देती है। फुनान टैंग से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को परेशान कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था, बट इस बार नहीं। कोको के मना करने पर फुनान उसे छोड़ देता है। असिस्टेंट के आने पर वे लोग कहते हैं कि आपका ड्राइवर हमें परेशान कर रहा है। असिस्टेंट फुनान को बॉस बुलाकर कहता है कि इन दोनों ने ही नेकलेस कोको के फाइल में रखा था। उन लोगों को बताता है कि मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ, फू ग्रुप के CEO मिस्टर फू ये हैं। दोनों फुनान से सॉरी बोलने लगती हैं। फुनान दोनों को जॉब से निकालकर ब्लैक लिस्ट कर देता है और टैंक से कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा, और कोको को ले जाता है। बाहर आने पर कोको कहती है कि तुम्हारे हीरो बनने से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुझे परेशान कर रहे थे, अब तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया, मैं यहाँ काम कैसे करूंगी, मैं कल यहाँ से रिजाइन करके ये सिटी छोड़कर चली जाऊंगी जहाँ मिस्टर फू ना हो। जिया को टैंग के पास दिखाते हैं कि मैं भी कोको के दुश्मन हूँ, साथ मिलकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। टैंग ओके बोल देती है। कोको बार में होती है और फुनान के बारे में सोचकर रोती रहती है। कुछ लोग वेटर से उसके ड्रिंक में कुछ मिलवा देते हैं। कोको के ड्रंक होने पर वे लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। फुनान कोको को कॉल करता है और ना लगने पर उसकी लोकेशन पता करने के लिए कहता है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम बार में थी, बट कुछ लोग उन्हें वहां से अपने साथ ले गए। फुनान कहता है कि मेरी वाइफ को किडनैप करने की हिम्मत किसने की, जरूरत पड़े तो उन्हें जमीन से भी खोदकर बाहर निकालो। तभी फुनान के पास टैंक का कॉल आता है कि कोको मेरे पास है, अगर उसे सेफ देखना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो, और उसे मीडिया के सामने शादी के अनाउंसमेंट करने के लिए कहती है। फुनान गुस्सा करता है। दोनों कोको के पास आती हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए, और कहती हैं कि लाइव स्ट्रीम देख लेना, मैं मिसेस फू बनने वाली हूँ। जिया कोको को लाइव स्ट्रीम दिखाती है जिसमें दिखाते हैं कि मिस्टर फू टैंक से शादी करने वाले हैं। टैंक को ब्राइडल ड्रेस में दिखाते हैं। फुनान भी आ जाता है और अनाउंस करता है कि अब से मेरी सारी प्रॉपर्टी, कंपनी और बैंक बैलेंस सब कुछ मेरी वाइफ कोको का होगा। दोनों शॉक हो जाती हैं। फुनान कहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ कोको है और कोई नहीं। टैंक के पूछने पर फुनान कहता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी और कंपनी के पीछे थी ना, अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ, और चला जाता है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम का पता चल गया और फुनान को लेकर जाता है। जिया किडनैपर को कोको को मारने के लिए बोलकर चली जाती है। कोको किडनैपर को हिट करके वहां से भाग जाती है। फुनान को रास्ते में दिखाते हैं। कोको के भागने पर जिया उसे पकड़ लेती है। कोको किडनैपर को हिट कर देती है। तभी फुनान की एंट्री होती है। कोको उसे देखती है। फुनान कोको के पास आकर बाकी लोगों को जेल भेज देता है। कोको रोते हुए फुनान को हक कर लेती है। पुलिस आकर टैंक को किडनैपिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है। ग्रैंडपा और मॉम कोको से मिलना हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारी कोको ठीक है ना। डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल ठीक है और बताता है कि ये प्रेग्नेंट है। फुनान और बाकी सब खुश हो जाते हैं। कोको फुनान का विला देखकर सरप्राइज हो जाती है कि तुम यहाँ रहते हो, बट मेरी वजह से तुम्हें उस छोटे से घर में रहना पड़ा। फुनान कहता है कि अब इस विला की ओनर तुम हो, अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो मैं होमलेस हो जाऊंगा, अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी।